अच्छी तरह से याद रखिए कि क्रिया दीक्षा का मतलब क्या है एक ऐसी क्रिया, है? कौन सी क्रिया सब प्रकार की क्रिया है, जो हम इंद्रियों से करते हैं मन से बुद्धि से कल्पना करते हैं सोचते हैं पेड़ों की सेवा मानव की सेवा जानवर की सेवा न जाने कितनी क्रियाएं हैं हम क्रियाओं को किस प्रकार करें हमारी यात्रा हमारी जीवन की यात्रा योग की तरफ हो योग क्या है दूरी की शून्यता दूरी की शून्यता करते हमारे परमात्मा के बीच दूरी शून्य अगर हमारे परमात्मा के बीच दूरी शून्य तो जब हम छोटे थे परमात्मा बहुत बड़े थे हम तो रह ही नहीं गए एक लहर है एक समुद्र है लहर समुद्र मिल गया तो लहर तो है ही नहीं समुद्र बन गई जब हमको योग्य की स्थिति अनुभव करना है तो इसका मतलब केवल परमात्मा बाकी कुछ भी नहीं है अगर केवल परमात्मा बाकी कुछ भी नहीं है तो परमात्मा तो अमर है इतना तो ज्ञान बढ़ गया सिद्ध हो गया कि अमर तत्व के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है एटम्स और परमाणु अमर हैं हवा पानी अमर है आसमान अमर है प्रकाश के किरणें अमर हैं ऊर्जा के तरंगे अमर हैं और ये तो सब अमर ही अमर हैं ये तो सिद्ध हो गया परमात्मा ही सब रूपों में है जब इसकी अनुभूति कर लेते हैं तब तो आप सृष्टि बना लेंगे तो आप इच्छा करेंगे तो जो चाहेंगे वो बनेगा लेकिन ये भी याद रखिए सब बना लेंगे लेकिन बनाएंगे वही जो ईश्वरीय नियम में है उससे आगे नहीं बढ़ेंगे संपूर्ण ज्ञान होते हुए भी आप उस लिमिट से आगे नहीं जाएंगे तो याद रखिए दीक्षा की क्रिया क्या है इनका मतलब अंदर हम अंदर जाएंगे बाहर तो हमने खोज लिया पूरी गीता पढ़ लिया हर श्लोक याद है, खूब बढ़िया स स्वर पाठ करते हैं रामायण रामचरित्र मानस कबीर के दोहे नानक देव जी का जप जी साहब पूरी गुरवाणी गौतम बुद्धा की शिक्षा महावीर स्वामी की शिक्षा कुरान की बाइबिल की सब तो याद है लेकिन भगवान नहीं मिले इसलिए हमको इनिशिएशन चाहिए अब अंदर में जाना है इनका अर्थ अंदर विद इन इनसाइड इनिशिएशन में द प्रोसेस ऑफ गोइंग इनसाइड अंदर कैसे जाएं अंदर कैसे जाएं उसी का अभ्यास करना ही दीक्षा की क्रिया है याद रखिए जब अंदर जाने लगेंगे तब पता चले रे आप तो हमारे अपने हैं आप बड़े अच्छे हैं नेति नेत आप ही नहीं वो भी हमारे अपने हैं अच्छा बहुत अच्छी बात फिर नेति नेत आप ही नहीं ना इति इतना ही नहीं ये भी हमारे ये भी हमारे ये भी हमारे ये, ये राक्षस लोग वो भी हमारे हैं है तो बड़े बदमाश है क्या हुआ वो बदमाश भी हमारे हैं ये तो सब हमारे हैं नेत नेत की पूर्ण अवस्था क्या है पूरा ब्रह्मांड ही हमारा है जो आदमी आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करता है जो सन्यास की गलत परिभाषा है हम केवल लंगिटी में है एक कमंडल में है केवल भिक्षा मांग करके निर्वाह करते हैं ये सन्यास का लक्षण नहीं है सन्यास करते हैं संपूर्ण ज्ञान हो स्वामिक स्वग्री इसमें संन्यास अर्थ दिए हुए हैं जिसको सब कुछ की प्राप्ति हो जाए कुछ पाने को न रहे वही सन्यासी है तो अगर हमको पैसा चाहिए तो कितना पैसा चाहिए अनंत कोई चीज चाहिए तो अनंत क्यों भाई क्योंकि सब अपने ही हैं, जितने आलसी लोग हैं जो मूढ़ हैं, जिनका हृदय मूड़ है जिनको शूद्र कहते हैं ये भाई मूड़ हैं अभी कैसे मूढ़ हैं ये तो शुक्ला तिवारी है ये शूद्र कैसे हो सकते हैं ये तो ठाकुर साहब है राम के वंशज हैं शूद्र कैसे हो सकते हैं ये तो बैकवर्ड है ये सिंह यादव हैं पटेल है मौर्य है, है। शूद्र नहीं हो सकते हैं तो याद रखिए जिनका हृदय डार्क है वो सब शूद्र कहे जाते हैं शूद्र का मतलब गड़बड़ नहीं है शूद्र का अर्थ है जैसे बच्चे होते हैं उनको कोई ज्ञान नहीं होता है उनके लिए खिलौना ही सब कुछ है जो बढ़िया पतंग दे दे गुब्बारा दे दे चॉकलेट दे दे टॉफ़ी दे दे चूरन दे दे उसके पीछे पीछे चलते हैं तो बच्चे गड़बड़ थोड़ी है तो शूद्र का अर्थ अपवित्र नहीं है हमारे हृदय की एक अवस्था है ये मूढ़ अवस्था हम सौ वर्ष तक लेके चल सकते हैं पैदा हुए तब भी मूढ़ थे अस्सी वर्ष के तब भी मूढ़ हैं जब पैदा हुए हमारा सम्मान था तो अस्सी वर्ष के इस समय सम्मान क्यों नहीं होगा इस राष्ट्र में सबसे ज़्यादा व्यवस्था मूढ़ लोगों के लिए होनी चाहिए जो अज्ञानी है उनको तो कुछ भी ज्ञान नहीं है उनका कपड़ा लत्ता खाने पीने की व्यवस्था पूरा गवर्नमेंट को करना चाहिए और साथ ही साथ ऐसा प्रशिक्षण करना चाहिए कि उनका जो यात्रा है वो मूढ़ अवस्था से निरुद्ध की ओर चले इसका अभिप्राय क्या विज्ञान की शिक्षा अनिवार्य कर दीजिए और जितने लोग आलसी वगैरह हैं उनको पढ़ा करके उनको खाने पीना दीजिए, ज़्यादा खाएंगे बीमार होंगे बीमार होंगे तो उनको इतना काम और करना पड़ेगा बीमार होंगे तो सोना बंद है सब नियम बना दीजिए हम आपको सारी सुविधा देंगे खाना पीना रहना मकान सब देंगे बीमार मत होइएगा हम नियम बताएंगे कैसे कि बीमार ना आलस आलस्य मत आइए निरंतर सेवा कार्य में लगे रहिए इसे कहा जाता था शुद्ध लोग सेवा करें तो शुद्ध लोग सेवा करें कौन शुद्ध है हम पंडित जी हैं हम भी शुद्ध हैं हम ठाकुर साहब हैं हम भी शुद्ध हैं हम यादव जी हैं पटेल हैं कुशवाहा हैं मौर्य हैं अगर हम आलस में जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो हम शुद्ध हैं तो दिक्कत क्या है भाई कोई दिक्कत नहीं है अब हम पढ़ाई करेंगे कि हम कैसे मूड से हमारा डार्क हार्ट से कैसे हम क्लीन की तरफ जाए जैसे इंजीनियरिंग नहीं आता है ना पर क्या आदमी इंजीनियर नहीं हो जाता है सर्जन हो जाता है अभी तो बैगन काटते थे अब तो हार्ट काटते हैं अब तो आंतों को काटते हैं अब ब्रेन चीरा लगाते हैं आदमी जिंदा हो जाता है अच्छा इतना अच्छा हो गए तो इसे याद रखिए किसी की निंदा मत करिए और शुद्ध की परिभाषा वो नहीं है आप किसी भी अवस्था में अगर आलस में हैं आलस की परिभाषा क्या है सेवा करना हुआ तो आलस्य लग रहा है माँ को पिता को परेशानी है आप और आ और के खर खर कर रहे हैं बता देख सो रहे हैं घर में जानवर हैं उनको खचारा नहीं मिल रहा आप आलस में पड़े हैं पेड़ हैं वो सूखे जा रहे हैं आलस में पड़े हैं तो आलस जब बहुत अधिक होता है तो बीमारियां बहुत तेज आती हैं अगर आलस से जीरो है बीमारी नहीं आएगी तो हमारी शिक्षा होनी चाहिए कैसे हम मोर से हम निरुद्ध हृदय की तरफ चले जब आप दीक्षा वाली क्रिया करेंगे तो याद रखिए बहुत तेज विकास होता है हमारा हम बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं जब तेजी से आगे बढ़ेंगे तो हमारी आदत भी बदलती है अगर पुरानी आदतों में जकड़े रहेंगे तो दीक्षा वाली क्रिया नहीं कर पाएंगे जैसे छोटा बेबी पैदा हुआ माँ का दूध पीता है माँ के गोंद में है अचानक छः महीने के बाद जब उसकी आदत हो गई कि हमारी माँ है ये माँ का गोंद है ये मैं सोता हूँ ये चेहरा पहचानता हूँ अचानक अगले दिन जब पहचानने लगा माँ का साथ और माँ के साथ घूमने लगा माँ का दूध पीने लगा फिर अचानक अगले दिन हो गया बीस वर्ष का तो माँ का दे चलो उधर सो अब रोटी दाल खाओ हम तो नहीं खाएंगे रोटी दाल हम तो दूध पियेंगे तो इसका मतलब आप पुरानी आदतों में रह रहे हैं ना तो बीस साल आपको नहीं होना चाहिए था इसे दीक्षा वाली क्रिया करने के लिए याद रखिए आदत के बंधन से मुक्ति पाने के लिए सोचिए तो आइए अगर पुरानी आदतों में जकड़े रहना है तो ठीक है पेज नंबर तिहत्तर पर देखिए जो, जो ये मूढ़ लोग हैं जो डार्क हार्ट वाले हैं ये मानते हैं भगवान होंगे किसी लकड़ी में लकड़ी लेके चलते हैं अंगूठी लगा के चलते हैं भगवान होंगे ये जो हम ताबीज पहनेस में होंगे या हनुमान चालसा लेके चल रहे हैं या कोई पत्थर के सिर दे दिया लेके चल रहे हैं ये सब इसको क्या कहते हैं वो आदमी इस डार्क फेज में है तो उसकी निंदा न करिए पत्थर लेके चल रहा है भैया अच्छा से तो उसको रखिए बढ़िया से कपड़े बांध के लकड़ी लेके चल उसको लिए रहिए लेकिन अभ्यास करते रहिए क्रिया विज्ञान पढ़ते रहिए तो इसमें पेज नंबर तिहत्तर पर है अपुष देवो मनुष्याराम जो मनुष्य लोग भगवान को पानी में खोजते हैं ऐसे लोग हैं जो भगवान को पानी में खोजते हैं चलो तो गनीमत है ऐसे लोग हैं जो भगवान को स्वर्ग में खोजते हैं भी गनीमत है ऐसे लोग हैं जिनको मूर्ख कहा जाता है वो भगवान को लकड़ी में खोजते हैं पत्थर में खोजते हैं मूर्ति में खोजते हैं तो उनको ठीक है खोजते गलत नहीं है लेकिन उनकी श्रेणी उनको मूर्ख कहते हैं मूर्ख मतलब गड़बड़ नहीं मूर्ख का मतलब देखिए हम भी तो इसको लिए ना हम भी तो किताब पढ़ के कह रहे हैं तो भी मूर्खता ही है बिना किताब के आपको बता सकते हैं आप मानेंगे नहीं तो आपको समझने के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो हम बता रहे हैं इसमें लिखा हुआ है ये तो ये बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है जिनके अंदर में योगानंद रहे हूँ जितने विराट थे वो जिनको महातार बाबा ने नियुक्ति किया हो ये किताब लिखने के लिए योगानंद के ट्रेनिंग देने के लिए वो लिखते हैं मूर्ख की परिभाषा क्या है लेकिन नहीं कहते मूर्ख गलत है ये नहीं कहा गया है जिसको मूर्ख कहते मूर्ख कहते हैं वो किसी न किसी मूर्ति में ही भगवान को मानता है ठीक है कोई बात नहीं आप मानिए लेकिन क्रियायोग अभ्यास करते रहिए बस आप कुरान पढ़ते पढ़िए लेकिन क्रियायोग करते रहिए तो कुरान की सही चीज़ पता चली जो कुछ है आप करते रहिए आप मीट खाते खाते रहिए शराब पीते पीते रहिए गांजा पीते पीते रहिए क्रिया योग मत छोड़िए आप जितने एगुण हैं सब एगुणों में रहिए कोई बात नहीं लेकिन योग मत छोड़िए तो एक दिन आप देखेंगे सारे अवगुण समाप्त हो जाते हैं और आप एकदम क्लीन हो जाते हैं ठीक वैसे ही हम काम करते मिट्टी में रहते कीचड़ में रहते हैं पानी से भीगते ये करते कपड़ा गंदा हुआ फिर नहा धोकर के फिट हो गए है। होते हैं कि नहीं ऐसे किसी की निंदा मत करिएगा जो मूर्त पुजारी उनकी निंदा बिल्कुल मत करिएगा कोई भगवान को के लेके जेब में चलता का हमारे भगवान इतने अच्छे फुश हो जाइए भगवान को लेके के चल रहा है आप उसको बहुत प्रेम करते थे हुई कथा मृत एक दे दीजिए उसको धीरे धीरे सलाह दीजिए कि क्रिया इसको पढ़ डाले किताब को धीरे धीरे क्रियायोग ध्यान करें इससे बीमारी नहीं आती है उसकी में बोलिए बीमारी को ठीक तो 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 करने के लिए चिंता को दूर करने के लिए गरीबी तो को दूर करने के लिए पारिवारिक कलह को दूर करने के लिए ये किताब पढ़िए बाकी आप जो कर रहे हैं गणेश की पूजा करते रहिए हनुमान जी पूजा का भी मत छोड़िए मंदिर में जाते रहिए मस्जिद में जाते रहिए जो मर्जी करते रहिए लेकिन बीमारी को ठीक करने के लिए चिंता से मुक्ति के लिए गरीबी को दूर करने के लिए योगी कथा में पढ़ते रहिए ऐसे इंट्रोड्यूस करिए घृण के मत करिए देखेंगे जो हमारा हार्ट डार्क है वो क्लीन हार्ट की ओर बढ़ने लगता है जो मूढ़ स्थिति है निरुद्ध की तरफ जिसको युग चित्ती निरुद्ध कहते हैं उस तरफ हम बढ़ने लगते हैं यही है पूरा दीक्षा का लक्ष्य इसमें विकास इतनी तेज होता है आपकी आदतें फटाफट बदलेंगी अगर पुरानी आदतों में जकड़े रहेंगे तो क्रिया नहीं कर पाएंगे इसे दीक्षा करने के पहले कृष्ण भगवान ने समझाया है कि द्रोणाचार पर विजय आदत पर अहंकार पर विजय भी भीष पितामह पर रागदेश राग पर विजय कर्ण विकर्ण पर शकुनी पर विजय मोह पर विजय मद शल्य पर गर्व न हो कि हमारे बाप ये था हमारा घर ये था हमारा देश ये है इस पर विजय ये सब जो महाभारत में कृष्ण भगवान ने पढ़ाया है कि हम इन सब से हम पार होंगे तब हम योग कर पाएंगे हम। इसे वहाँ पर पढ़ाए कि दुर्योधन दुशासन और कर्ण विकर्ण शकुनी और ये मध शल्य द्रोणा द्रोणाचार्य भीष्म कृपाचार्य अविद्या इन सबसे कैसे हम ऊपर उठे हैं ये पढ़ाया गया है इसका मतलब एक चीज ले ली आदत कल आप पाँच रोटी खाते थे हो सकता है एक महीने बाद दो ही रोटी खाए तो घर वाले कहेंगे अरे पर न जाने क्या हो गया बंद करिए क्रिया योग ये पाँच रोटी खाते थे दो रोटी में कैसे जियेंगे आप बताए भी एक ही पर आ गए कहाँ जाते हैं आप घर में अनशन कर देंगे और पता चला कि एक रोटी खाने में जो ताकत है वो पांच रोटी में नहीं मिलती थी ताकत इस तरह से घर में लोग बाधा डालते हैं वो बाधा प्रेम के कारण डालते हैं तो उससे नाराज मत होइए जहाँ जाएंगे खूब बढ़िया खिलाए पिलाएंगे तो कह दीजिए कि भाई आज हमारा व्रत हम यही खाते हैं बस जब व्रत ही खाते हैं तो कोई नहीं कहेगा आप पूरी कचौड़ी खाइए जो खाना बता दीजिए वो हमारा नियम व्रत में खाते हैं इस तरीके से आपको आदतों को रूपांतरण के लिए तैयार रहना है याद रखिएगा हर प्रकार की आदत बदलेगी देखने की सुनने की सोचने की कल्पना करने की स्वाद लेने की चलने की फिरने की सभी प्रकार की आदतों में रूपांतरण होगा हम क्रिया के भक्त हैं आप भक्त होने जा रहे हैं ताई हम लोग अभ्यास करते हैं